नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल दादी छे। मैं राजस्थान राज्य के धरती वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़ से आया हूँ। वास्तव में एक युवा का एक स्वप्न होता है कि अपने प्रदेश से बाहर निकलकर दूसरे प्रदेश की कला संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान और वहाँ की परंपराओं का अध्ययन करना, और यह कर दिखाया है हमारी केंद्र सरकार ने। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हम जैसे युवाओं को एक प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेश में घूमने का अवसर दिया। यहाँ पर उड़ीसा के बारे में जो मैंने सुना था और देखा कि प्रभु श्री जगन्नाथ की धरती कितनी पावन है, कितनी सुंदर है। यहाँ का पारादीप पोर्ट जो विश्व प्रख्यात हो चुका है, जो पारादीप की रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की, वो देखकर मैं अभिभूत हूँ। यहाँ की जो कला संस्कृति है, यहाँ का जो खान पान है, वो देखकर मैं अभिभूत हूँ। और आने वाले समय में मैं सरकार से ये आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे युवा संगम के कार्यक्रम निश्चित तौर पर निरंतर चलते रहें, जिससे आने वाले समय में हर एक युवा का सपना पूरा हो सके। एक युवा दूसरे प्रदेश में जाकर वहाँ की रहन सहन को सीखे, वहाँ के खान पान को सीखे और यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर हमें बहुत आनंद आया। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद। यहाँ का खान पान जो था वो देखिए, पहली बार मुझे यहाँ का खान पान चखने का मौका मिला। जैसा दही तो हम अक्सर खाते हैं, पर यहाँ आकर दही बैंगन जो हमने टेस्ट किया, वो दही बैंगन और यहाँ की जो विभिन्न वेराइटी जो थी, वो वास्तव में अल्टीमेट टेस्ट यहाँ का था। यहाँ का रहन सहन काफ़ी अच्छा है। यहाँ के रघुराजपुर जो गांव है, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, वहाँ की जो पूरे गांव की जो, मैंने सुना कि सदियों से उन्होंने वो गांव बसा रखा है, वाकई बेहद रोमांचित कर देने वाला था और मैं भविष्य में इस टूर को कभी नहीं भूलने वाला हूँ।